अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं हूं अहमद फराज मलिक, करंटली डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम द स्पिम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। तो मेरा ये वीडियो आज के उन नीट एस्पायरेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम्स अब, क्योंकि सेशन था हमारा वो चेंज हो गया था, समर जोन में आ गए हम, जो इधर चनाब वैली से भी स्टूडेंट थे, अब सारा जो है सबका एग्जाम जो है समर जोन में खत्म हुए, उसके बाद किसी के एग्जाम अभी एक दो बचे हुए हैं, तो तब कलेक्टिवली जो है मई एंडिंग तक जो है सबके एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं। उसके बाद अब सब रश में है, सबके मुझे मतलब पूछ रहे थे, मतलब बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मतलब आपने कहां से पढ़ा, आपने कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, क्योंकि अभी सब जितने बच्चे हैं, जितने मेरे पास दोस्त है, जितने हमारे नीट एस्पायरेंट जॉइन किए, वो सारे रश में है कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जाए। तो जैसे कि मैं हमारे पास जम्मू डिवीजन की बात करूं, सारे जो स्टूडेंट्स है वो रश करेंगे जम्मू की तरफ, क्योंकि मेन कोचिंग हब जो है जम्मू में आपको सारे कोचिंग सेंटर्स मिलेंगे। तो वहां पर जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कौन सा कोचिंग स्टूडेंट ज्वाइन करें, उनको कुछ समझ नहीं आता, जल्दी में वो गलत फैसला उठाते हैं जो उनको बहुत महंगा पड़ता है, जिस वजह से उनकी सिलेक्शन भी खतरे में आ जाती है। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की, कौन इंस्टीट्यूट आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको पांच इंस्टीट्यूट बताऊंगा जम्मू के टॉप 5 जो आपको नीट एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, वो सबसे आपको बेस्ट एक्सपीरियंस उन्हीं इंस्टीट्यूट, उन्हीं पांच इंस्टीट्यूट में। तो चलिए अब रैंकिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्थ पोजीशन। तो फिफ्थ पोजीशन मेरे किस इंस्टीट्यूट को रखा है, तो मैं बताना चाहता हूं आपको, फिफ्थ पोजीशन पे जिस इंस्टीट्यूट को मैंने रखा है वो है फोनिक्स क्लासेस जम्मू, जो कि जिसका सेंटर जो है त्रिकुटा नगर में ही है। और इसकी मैं अगर रेटिंग्स की बात करूं तो मेरी इसके लिए रेटिंग्स होने वाली है 5.5 out of 10। और इस पे एक्सपीरियंस ये है कि मतलब मेरे दोस्त जितने पढ़ते थे यहां पर उनने ये बताया, इसके लिए रेटिंग्स, इसलिए मैंने फिफ्थ पोजीशन पे इसको रखा है, क्योंकि इसका नीट मॉक टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल मतलब वो जो नीट पैटर्न जिस हिसाब से आज का नीट एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड आता है उससे बिल्कुल हटके एक्स्ट्रा चीजें बहुत ज्यादा ऐड करते हैं, इसलिए इसकी रेटिंग जो है थोड़ी सी कम है। और उसके बाद जो यहां पर टीचिंग फैकल्टी है वो मतलब लो टू मॉडरेट के लेवल के बीच की मिलेगी आपको, यानी कि मॉडरेट से यानी कि बिल्कुल टॉप फैकल्टी जो आप चाहते हैं वो आपको यहां पर नहीं मिलेगी, इसलिए इसकी रेटिंग में रखिए 5.5 out of 10। उसके अब बात करते हैं नंबर फोर्थ पोजीशन की, तो नंबर फोर्थ पोजीशन जो नंबर के तमाम इंस्टीट्यूशन में जिसको मैंने नंबर फोर्थ पोजीशन पर रखा है वो है मोशन इंस्टीट्यूट जम्मू, जो कि सिटी वॉक शोरूम, यानी कि सिटी वॉक शोरूम जम्मू वो भी गांधीनगर में ही आता है, गांधीनगर में इसकी लोकेशन है। और उसके बाद मोशन इंस्टीट्यूट में मेरी खुद की सिस्टर पढ़ती थी वहां पर, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर मेन चीज यही प्रॉब्लम है कि वहां पर फिजिक्स जो है उतनी ज्यादा मतलब अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर, जो मैंने तीन पोजीशन पर रखे हैं उनकी फिजिक्स थोड़ी इससे बेटर है। और दूसरी बात यह कि वहां पर बायोलॉजी, इसकी मोशन इंस्टीट्यूट में जो बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाली फैकल्टी भी जो बहुत ही अच्छी है। और इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो मॉडरेट लेवल की, लो से थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की तरफ ज्यादा जो टिल्ट करती है, इसलिए इसको मैंने रखा है नंबर फोर्थ पोजीशन पे। उसके बाद नंबर थर्ड पोजीशन पे जो टॉप अमंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू जो मैंने नंबर थर्ड पे रखा है मैंने एलएन इंस्टीट्यूट जम्मू, जिसका सेंटर जो है त्रिकुटा नगर में ही है। और उसके बाद इसको जो मैंने रेटिंग दी है वो है 6 out of 10। अब 6 क्यों दी है, 6 से आबो क्यों नहीं दी, वो इस बात से क्योंकि इनकी जो टेस्ट सीरीज है, मैं आपको बताऊं, मेरा खुद का एक दोस्त पढ़ता था जब हम पीजी में साथ होते थे, वहां से एक मेरा दोस्त था वो एलएन में पढ़ता था, उसके बाद एलएन में उसने जब वो मुझे टेस्ट सीरीज दिखाता था तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि जब जो एलएन की जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल मतलब एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, बिल्कुल आपको एनसीईआरटी से हटके बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहां पर, जिसको जितना हाई लेवल हमें पढ़ने की जरूरत नीट के लिए नहीं है, आईआईटी जेईई के लिए बेटर रहेगा वो इसकी टेस्ट सीरीज, लेकिन नीट के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एलएन इंस्टीट्यूट जम्मू जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा ला रहा है। और उसके बाद यहाँ की फैकल्टी जो अभी इंस्टीट्यूट नया है, फैकल्टी भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जितने यहाँ पर फैकल्टी है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रही है। और इनकी जो टेस्ट सीरीज अगर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो एलएन इंस्टीट्यूट जो आने वाले वक्त में जम्मू का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन के आएगा। उसके बाद सेकंड पोजीशन की मैं बात करूं तो सेकंड पोजीशन में मैंने रखा है, जहां पर मैंने खुद पढ़ा था, वो है आकाश इंस्टीट्यूट जम्मू, जो कि आजकल सवालों में जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहा है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा फैकल्टीज ने यहां से जो है रिजाइन कर दिया है। वो इस वजह से मैं आपको खुद बताऊं, जब हम पढ़ते थे आकाश में तो मुझे वहीं से लगता था कि मतलब आने वाले वक्त में आकाश उतना ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो इस वजह से क्योंकि जो हमें फैकल्टीज पढ़ाती थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाला हुआ था आकाश ने, कि इतने मंथ्स में आपने सिलेबस कवर करना, उनकी एक सबसे वर्स्ट थिंग ये है आकाश की कि पहले आपको एक बहुत ज्यादा स्लो तरीके से पढ़ाएंगे, यानी कि पहले चैप्टर को एक महीना जो जिन चैप्टर्स को इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, और जिन चैप्टर को जो चैप्टर ज्यादा वेटेज रखेंगे एंड पे उन चैप्टर्स को ये 2 महीने में कवर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा लॉस और ब्लंडर हो जाता है स्टूडेंट के साथ, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस बार सफर किया, मेरे दोस्त 50 आवर स्टूडेंट जो थे मेरे दोस्त मेरे क्लासमेट, उनने बहुत ज्यादा सफर किया आकाश की वजह से, कि इनने जो है मतलब हमें बहुत ज्यादा ब्लंडर
कर दिया, लेकिन फिर भी इसको मैंने सेकंड पोजीशन पे इसे रखा है क्योंकि अभी तक की मैंने इस वक्त तक की पोजीशन की बात की कि कौन इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूशन आपके लिए बेटर रहेगा। तो अभी की जो इसका फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, अगर थोड़ा सा आपने शेड्यूल में चेंज लाए उसके बाद टेस्ट सीरीज इनकी सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, अगर मैं बात करूँ वो आकाश इंस्टीट्यूट की है, वो जो कि AITS के नाम से सबसे बेस्ट और नीट के लिए सबसे वर्थ आपके लिए जो अगर कोई टेस्ट सीरीज रहेगी वो यही है AITS जो कि आकाश के। इस वजह से आकाश को मैंने सेकंड पोजीशन पर रखा और उसके बाद जो इनकी फैकल्टी है अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो मेन टीचर्स थे वो यहाँ से रिजाइन हो गए। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बेटर करेंगे यानी कि अगर अपने शेड्यूल में चेंज लाएंगे, मुझे लगता है आप लाएंगे क्योंकि उनको पता चल गया इनकी जो रेटिंग्स है बहुत ज्यादा डाउन हो गई। तो इसको मैंने रेटिंग्स दी 7/10 और इसलिए आकाश इंस्टीट्यूट अगर थोड़ी सी चेंजिंग लाएगा तो फिर से जो नंबर वन पोजीशन थी जम्मू में इनकी वो दोबारा वापस आएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे इसने एलम भी बता दिया, आकाश भी बता दिया, मोशन भी बता दिया, तो अब ये नंबर वन किसको रख रहा है? तो जी हाँ, नंबर वन जो कि मैं आप बोल रहे होंगे आप जल्दी कर रहे हो लेकिन मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही हूँ इस डिसीजन में। तो नंबर वन इंस्टीट्यूशन जो जम्मू में आपके लिए अगर आप नीट की कोचिंग के लिए जम्मू जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा वो है अन अकेडमी इंस्टीट्यूट जम्मू, जिसके दो सेंटर्स खोले गए हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसके एक सेंटर जो नरवाल बाईपास पे है और दूसरा त्रिकुटा नगर में इनका सेंटर है। और इसकी रेटिंग की अगर मैं बात करूँ 8.5 में रेट करते उसको आउट ऑफ 10, वो इस वजह से क्योंकि जो हमें फैकल्टी पढ़ाती जैसे बायोलॉजी के जम्मू की सबसे मतलब नंबर वन टीचर मैं उनको बताऊं वो है महक बत्रा मैम, उसके AR10 लाया था हाजी परवेज लोन ने, उनको जो फिजिक्स पढ़ाते थे वो फैकल्टी भी इनने यहां पर लाई है फिजिक्स के लिए, खासकर फिजिक्स के लिए इनके पास अब बहुत अच्छी फैकल्टी आई है बायोलॉजी और बॉटनी जूलॉजी के लिए। आप मतलब सबसे अच्छी फैकल्टी अगर मैं जम्मू में बात करूं अन अकेडमी जम्मू के पास अभी है, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट टीचर जो अभी जम्मू में है वो इनके पास है, तो क्यों ना हो ये नंबर वन। इसीलिए मैंने अन अकेडमी जम्मू को मैंने नंबर वन पोजीशन पे रखा है और इसकी रेटिंग मैंने 8.5/10 रखी है। और इस वजह और अगर आप जा रहे हैं जम्मू तो आप प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पहले अन अकेडमी के पास जाइए, वहां पर डेमो क्लासेस लीजिए, आप एक्सपीरियंस कीजिए, आप जरूर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये कोई प्रमोशन नहीं, ये कोई मतलब मुझे आपकी मुझे अपने दोस्तों की फिक्र है क्योंकि पिछली बार मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आकाश जाओ, उन्होंने बताया फिर आपने क्या बताया था यहाँ तो ऐसा होता है, इसलिए मैं इस बार आपको गलत गाइड नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने आकाश अन अकेडमी का आपको हवाला दिया, आप अन अकेडमी जाइए एक्सपीरियंस कीजिए, मुझे उम्मीद है पूरा कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड, और आप और कोई भी आपको क्वेरी हो कोई भी आपको परेशानी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया, मुझे मैसेज करके पूछ सकते। बाय बाय, टेक।